अभी हम आ चुके हैं राइजन। ये एक बड़ा मॉल है। अभी या तो अगर बाबा का मोबाइल का जो कवर है वो मिल गया तो ठीक है, फिर तो बाबा से पूरी जगह से मोबाइल लिए एक ही कवर लगा के रखे और चेंज नहीं किया, तो फिर अगर कवर ही किया तो कोई और दूसरा वही चीज़ ले लेगा, लेकिन अगर कवर ना मिला तो हम लोग शेविंग मशीन ले लेंगे हाशिम वगैरह। वीडियो बनाना फिर हम जो लेने आए थे वो हमें बिल्कुल नहीं मिला, बाबा का गिफ्ट और हम लोग बाकी सामान ले आए, नूडल्स और खाने पीने की चीज़ें, फेस वॉश। लेकिन चलो अगर हम जाएंगे केक से, बेक से घर खुला हुआ तो वहाँ से केक ले लेंगे और पता नहीं फिर और क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रू एंड राज व्लॉग्स। तो आज जो है, आज है 8th May और कल है 9th May 2023, मेरी बर्थडे। और इस बार हम लाहौर में अकेले हैं, मेरे साथ कोई नहीं होगा। पहले तो रिमासा लोग होते थे, हम उनके साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट कर देते थे। और मुझे जो है अभी हम लोगों ने स्कूल चेंज किया अपना, तो बहुत ज़्यादा काम भी है, याद भी करना है। लेकिन रात को फिर बाबा जानी केक लाएंगे, फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे मेरी थोड़ी सी बर्थडे। और मम्मा ने मुझे गिफ्ट दे दिया है, मम्मा ने मुझे दिया है कर्लर प्लस स्ट्रेटनर प्लस क्रिम्पर या क्रम्पर जो भी होता है। थैंक यू मम्मा जानी। और बाबा जानी का भी गिफ्ट रहता है, हाशिम का भी गिफ्ट रहता है। अब पता नहीं हाशिम देगा कि नहीं, और बाबा जानी तो देंगे शायद शायद देंगे। तो जो भी होगा बर्थडे पे वो मैं आपको सब बताऊंगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट डे हो चुका है शुरू और कल रात को 12 बजे मैंने केक काटा था, मैं सो गई थी और फिर मुझे आके मम्मा पापा ने और हाशिम ने जगाया, तो मैंने जो है काटा केक। मुझे याद नहीं रहा क्योंकि रात के 12 बजे थे, मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी। उसके बाद अब जो है हाशिम ने मुझे गिफ्ट किया है ये पाउच। मैंने उससे खुद ही बोला था अगर कुछ देना हुआ तो स्टेशनरी का देना। उसके बाद मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है स्ट्रेटनर और प्लस क्रम्पर प्लस कर्लर, ये गिफ्ट किया है। और अभी मैं जो हूँ कर रही थी कुछ करना में, लेकिन कामयाब नहीं हुई तो इसलिए मुझे बाल धोने पड़ गए। कर्ल तो मुझे करने आते नहीं है और स्ट्रेट में बहुत करती हूँ, लेकिन जो है मैं करने की जो कोशिश कर रही थी ना, किधर गया, यहाँ कहीं लिखा हुआ था ना सब। कर्ल करते स्ट्रेट करते वेफल करता है, वही वेफल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसी में कामयाब नहीं हुई मैं, तो वो पड़ा हुआ है स्ट्रेटनर। अभी हम जो है जाएंगे बाय ट्रीट के लिए। जी, तो मैं अंदर कह रही थी कि अभी हम जाएंगे बाय ट्रीट के लिए। आज बहुत 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 ज़्यादा धूप है और हमने जाना था मैकडोनल्ड्स, क्योंकि मुझे मैकडोनल्ड्स बहुत अच्छा लगता है, बाबा की तरफ से ट्रीट थी। लेकिन एक मसला भी ये हो गया है कि कर लिया है इमरान खान को गिरफ़्तार, तो अब अगर रास्तों पे रश हुई तो हम क्या करेंगे, इसलिए एक किस चीज़ का मसला है, बाकी तो कोई भी मसला नहीं है। उसके बाद अभी हम जाएँगे अकेडमी 3 बजने में सिर्फ और सिर्फ, देख लें पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा ही टाइम रह गया, 4 या 5 मिनट, 3 बजे हम निकल जाएंगे घर से। उसके बाद हम आएंगे 7 या 7:15 7:30 तक इस तरह आएंगे, फिर बाबा पहले से घर में होंगे, हम चले जाएंगे। लेकिन अब कुछ कंफर्म नहीं है, अगर रास्ते बंद हुए तो फिर आज तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो हैं जा रहे हैं, अल्लाह करे रश ना हो, आमीन। और ये मुझे मेरी फ्रेंड जोया ने दिया है, थैंक यू सो 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 मच जोया। अभी तक मैंने खोला नहीं है ये, मैं जल्दी जल्दी में मैंने निकाला तो इसलिए थोड़ा सा फट गया, अब मैं आप लोगों के सामने ही खोलती हूँ।
थैंक यू सो मच जोया। दोनों लाया ना खाना, ओ खुल गया सबर में, अभी किस तरह खोलूं। हाशिम ये ब्लॉग बनाओ, मेरी शक्ल नहीं आती, इतनी खूबसूरत भी नहीं है। दुआ पढ़ लो भाई, अभी हालात बड़े खराब है, ये तो सफर की दुआ पढ़ो। वाह माशाल्लाह, ये देखो वहां ये रिंग दी है इसने जहन ने, और ये नेकलेस दिया है। देखा आपने, जहन मुझे बोला था कि कल रिंग पहन के आना, मेरी दोस्त है। पीछे हो रही थी चेकिंग, अब हम बाय बाय से तो कम से कम निकल आए हैं। इधर रोड पे तो रश नहीं है और अच्छी बात यही है। और अब पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, मुड़ते ही जा रहे हैं, अल्लाह करे रश ना हो, आमीन सुमामीन। वरना जो मेन लाहौर है वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रश है। हम लोग कर चुके हैं चेक और हम लोग अभी अंदर बैठ के खाएंगे। यहाँ पे ऑर्डर कर दिया है हम लोगों ने, बाबा वाला जो है यहाँ का फेमस रैप लिया है और गार्लिक रैप लिया है, और हाशिम और मैंने बर्गर फ्राइज कोल्ड ड्रिंक लिया है। थैंक यू बाबा जानी। आ गया है ऑर्डर और हम लोग ने गलती से स्मॉल ऑर्डर कर दिया है। क्या नाम है, अच्छा जी, तो हम लोगों ने खाया है और माशाल्लाह सुभानअल्लाह, मैं आपको इसका बहुत ही अच्छे से है ना रिव्यू देना पसंद करूँगी। तो रिव्यू ये है कि जो एक होता है गंदा, एक होता है बहुत गंदा, और एक होता है इंतहाई का गंदा, अतीत गंदा, वो जो था ना इसका गार्लिक रैप था। अब दूसरी बात ये फ्राइज़ भाई आप लोग दे रहे हो, इतने इतने छोटे 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 आलूओं को देने, छोटे आलूओं को क्या ज़रूरत है भाई, हम आपको पूरे पैसे दे रहे हैं तो आप सही तो फ्राइज़ दो। तो जितने भी मैकडोनल्ड्स मैंने खाए हैं उनमें सबसे जो गंदा वाला मैकडोनल्ड्स था ना वो ये था, और मेरे बर्थडे के दिन ही अलामा इकबाल टाउन वाला, और मेरे बर्थडे के दिन ही मुझे ये मिलना था, लेकिन अब पेट तो भर गया। गलती से हम लोगों ने जो है ऊपर से स्मॉल डील भी ऑर्डर कर दी थी, लेकिन चलो वो हमारे फ़ायदे में आई क्योंकि यहाँ पे मज़े का नहीं था कुछ भी, तो बस जल्दी जल्दी खाया और ख़त्म किया। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इमरान खान की वजह से जो है नेट बंद हो गया था और ब्लॉग ना चल रही थी, लेकिन एडिटिंग ऐप थी जो वो भी नेट से चलती थी, तो इसलिए ब्लॉग एडिटिंग नहीं हो पा रहा था। तो अभी आज है 14th में, कल बाबा जानी की बर्थडे है, तो अब दोनों की बर्थडे एक ही ब्लॉग में आ जाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी और उसके बाद ब्लॉग एंड हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं आसमां के लोगों के घर, इतवार है और हम लोग से पहले घर से कहीं गए नहीं थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मास्क काम के घर जाते। तो कल 15th में है और अभी हम लोग बाबा का लेने जा रहे हैं गिफ्ट। हाँ तो मैं कह रही थी, सॉरी मैं ये कह रही थी कि अभी हम बाबा का गिफ्ट लेने जा रहे हैं, बाबा गाड़ी में बैठे हैं और बाबा को नहीं पता, बाबा हमारे साथ तो जा रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है, और केक तो उनके सामने ही दे देंगे, केक की कोई बात नहीं है। दरवाज़ा लगाया है साथ, कुंडी नहीं लगाई है, ऐसे केक कटिंग भी हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा जानी। खा ले ना, मुझे भी दे, मैं भी खिलाऊं। आ करें कोल पे ले। हाँ जी,
तो आज है 17th, मैं बाबा की बर्थडे गुजर गई है और बाबा की बर्थडे का मैंने इतना व्लॉग नहीं बनाया। खैर अपनी बर्थडे का भी मैंने इतना बड़ा व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन असल में ना क्या था कि ना इमरान खान की वजह से नेट नहीं चल रहा था ना, तो फिर इन दिनों में हम बिल्कुल फारिग थे क्योंकि हम नेट तो यूज़ कर नहीं सकते थे। तो हमारा ना स्कूल का बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग में था, जिस तरह मैंने आपको शायद इसी व्लॉग में पहले भी बताया या पिछले व्लॉग में बताया कि हम लोगों ने स्कूल चेंज किया है, तो जिसकी वजह से जो है हमें ना बहुत ज़्यादा काम है। और अभी सच आज जो है वेडनेसडे है और सैटरडे को पहले मेरा सबसे पहला पार्क स्टडीज़ का पेपर है, तो उसकी मुझे काफ़ी टेंशन है क्योंकि उसके भी मैंने बहुत सारी चीज़ें याद करनी रहती हैं, तो इसलिए मैं आज व्लॉग एंड कर रही हूँ। और अब इसके बाद छुट्टियों में मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग बनाऊंगी, ज़्यादा बनाऊंगी, चाहे घर में ही रहूंगी उसका ही बनाऊंगी, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमारे लगेंगे समर कैंप्स 1 month, उसके बाद ईद आ जाएगी, तो ईद का तो ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा। और मुझे एक और बात हंसी आ रही है कि ना आप भी बोलते होंगे कि मैं हर वक्त जब भी देखो यहीं पर व्लॉग शूट कर रही होती हूँ, क्या करूं मैं यहाँ, यानी कि यही बाहर एक दिखाने की जगह है और तो कोई जगह है ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। छत पे हम लोग जो बहुत कम जाते हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यही जगह है, तो आप लोगों को इसी से गुजारना करना पड़ेगा। तो हाँ व्लॉग एंड करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आया अपनी बर्थडे पे भी, बाबा की बर्थडे पे भी, और 14th May को जो है मदर्स डे था, तो हैप्पी मदर्स डे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।